हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। त्याग, बात तो सुनो मेरी तुम। क्यों? अभी कुछ बचा है कहने के लिए? मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला है। मगर जानते हो क्यों? क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखी थी और उस चेहरे पे मैं दर्द नहीं देख सकता था दया, सिर्फ इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम मेरे चेहरे पे दर्द नहीं देखना चाहते थे ना, लेकिन तुमने खुशी क्यों छीन ली मेरी? तुम जानते थे कि श्रेया से मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकता था, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने वो सारी बातें उस चिट्ठी में लिख दी और सोचा कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त वो चिट्ठी श्रेया तक पहुंचाएगा। मगर इतना सब कुछ हुआ, तुमने वो चिट्ठी उसे नहीं दी। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? एक्चुअली नहीं, शायद अभिजीत तुम्हारे पास इस बात का जवाब नहीं है। मेरे जवाब की बात नहीं है तय, किसी और का जवाब है जो मैं नहीं दे सकता। किसका जवाब है? मैं नहीं बता सकता तय। अभिजीत पहेलियों में बातें मत करो, तुम दोस्त हो ना, खुल के बात करो, खुल के बात करो। यार वो बात नहीं है, दोस्ती के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। हाँ, झूठ भी बोल सकते हो। क्यों? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन तुम्हारे लिए झूठ बोला, तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए झूठ बोला। तो मुझे तकलीफ नहीं हुई? मैं खुश हूं, मगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं इस तरह से खुश हूं, तुम्हारे वजह से। एक मिनट यार, प्लीज, ये श्रेया का गुस्सा मुझ पे मत उतारो यार। मैं गुस्सा श्रेया पे नहीं, मुझे गुस्सा तुम पे आ रहा है। क्यों? कसूर क्या है मेरा? यही कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। अरे यार, सिद्धार्थ वाली बात तुमसे किसने बताई? श्रेया के घर कौन लेके गया था तुम्हें? अरे तुम और श्रेया एक साथ होते तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश मैं होता यार, मैं। मगर श्रेया और मैं एक साथ तो नहीं है ना? और मैं खुश भी नहीं हूं यार। अब इन बातों में कुछ रखा नहीं है, भूल जाओ। ठीक है, मैं भूलने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे दिल की तसल्ली के लिए एक बार मुझे बता दो, तुमने वो चिट्ठी श्रेया को क्यों नहीं दी? यानी वो उसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता दया। यार मुझसे मत पूछो। क्यों ना पूछो? इस एक सवाल का सीधा असर मेरी आने वाली जिंदगी भी पड़ता है और हमारी दोस्ती पे भी। मतलब अगर इस सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया तो हमारी दोस्ती खत्म? मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे रहने दो यार, अगर हमारी दोस्ती इतनी सस्ती है कि एक छोटे से आंधी के झोंके से उसकी नींव डगमगा जाए तो मुझे भी ऐसी दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं है। हेलो, जी हाँ, CID ब्यूरो। जान खतरे में? एक मिनट, कहां से बोल रहे हैं आप? CID? जी हाँ, क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ? सर आप बैठिए, मैं सब बताता हूँ। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी मुसीबत में? जी गलत कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पत्नी के कपड़े पहनने की? पता नहीं सर इनको क्या हो गया है, बिल्कुल फेंकी फेंकी सी बातें कर रहे हैं। मिस्टर राहुल, क्या मजाक है ये? अगर आपकी पत्नी ठीक ठाक है तो CID का वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा? सर मैं CID का वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ सर, नम्रता सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है। दरअसल कुछ घंटे पहले हाँ साहब, आपका नया बावर्ची साहब। अरे बॉस,
लगता है आप गलत पते पे आ गए। पता भी यही है, घर भी यही है। नम्रता मैम साहब ने मुझे काम पे रखा है खाना बनाने के लिए साहब। कमाल है, नम्रता ने मुझे बताया नहीं कि वो एक नया बावर्ची रख रही है। बोलो साहब खाने में क्या क्या बनाऊं साहब। अरे वो नम्रता आ जाएगी थोड़ी देर में, वो ही बता देगी खाने में क्या बनाना है। तब तक एक काम करो, तुम मेरे लिए कप चाय बना। ठीक है साहब। रसोई कहाँ है साहब? उस तरफ। उस तरफ। ये चाकू घबराइए साहब, इससे मैं फल काटता हूँ, भाजी काटता हूँ साहब, और मांस भी काटता हूँ साहब। ठीक ठीक, तुम जाओ चाय। हाँ जाता हूँ साहब, चाय बनाता हूँ साहब। कैसे आदमी को वहां पे रख दिया नम्रता ने। अरे क्या साहब, डर गए क्या? ऐसे अचानक सामने आ गए तो कोई भी डरेगा ही ना। ये लो साहब आपकी कॉफी। मैंने चाय बोली थी। क्या साहब, आपने कॉफी तो मंगाया था साहब, वही लाया हूँ साहब। अरे यार मैंने चाय बोली थी। अरे कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम? अरे एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से बदतमीजी से बात कर रहे हो मेरे साथ। कैसा आदमी रख दिया है। सॉरी डार्लिंग, आने में थोड़ी देरी होगी। वो मॉल में ना अच्छी से सेल लगी है तो कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली। एक्सक्यूज मी, कौन है आप और यूं घर में कैसे घुसे चली आ रही है? अच्छा जी, मैंने कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया तो इसलिए तुम अपनी पत्नी से ऐसे बात करोगे? पत्नी कौन हो तुम और नम्रता कहाँ है? तुम्हारे सामने। अच्छा अब समझ में आया, मेरी पत्नी ने ही कहा है ना तुम्हें मेरे साथ मजाक करने के लिए, है ना? राहुल तुम्हें क्या हो गया, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बहुत हो गया ये बकवास। कहा है नम्रता? मैं अभी नम्रता को फोन करता हूँ। कैसे हो, अब यकीन हो गया? बहुत हो गया ये बकवास, बहुत हो गया मजाक। कहाँ है नम्रता बताओ मुझे, नम्रता कहाँ है? कहाँ है नम्रता, क्या किया नम्रता के साथ? राहुल तुम ठीक तो हो? बुखार उखार तो नहीं है? छुओ मत मुझे, हाथ मत लगाना मुझे। तुम्हें नम्रता ने काम पे रखा था ना? हाँ सर। कब रखा था? कल। यहाँ यहाँ और बताओ, क्या यही नम्रता है? हाँ साहब यही तो है नम्रता मैम साहब। देखो यार वो कुछ छोटी मोटी चाय कॉफी के बहस कर रहे थे, तुम झूठ मत बोलो, कौन है ये? नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, यही है नम्रता मैम साहब। सुनो बलराम, तुम ना खाने में मिर्ची थोड़ी कम डालना, साहब को तीखा पसंद नहीं है। ठीक है मैम साहब। क्या हो रहा है यार, ये कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूं? शेडी को फोन करता हूँ। सर तो बहुत अच्छा होगा कि फ्रेडी सर साथ में नहीं है, वरना असली और नकली पत्नी के चक्कर में वो खुद चक्कर खा जाते। ये लीजिए साहब, आप सब लोग के लिए पानी। देखिए सर, देखिए कैसे ये दोनों भैरू पे मेरे घर में घुसाए हैं, न जाने इन्होंने मेरे पति नम्रता के साथ क्या किया होगा। राहुल मैं ही तुम्हारी नम्रता हूँ। सर आप बेकार के कहने पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मैं कल इनको अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। माफ कीजिएगा सर, परेशानी आपको हमारी वजह से हुई। कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ आ गए हैं तो सारा मामला समझ के ही जाएंगे। मिस्टर राहुल आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी पत्नी नम्रता नहीं है? सबूत? हाँ है ना सर, मेरी पत्नी की तस्वीरें मेरे फोन में। क्या वो मिस्टर राहुल, ये कैसे हो सकता है? इसमें मेरे और मेरी पत्नी की लगभग 100 तस्वीरें थी, अब एक भी नहीं है। याद आया सर, सर जब मैं नहाने गया था ना तो मैंने ये फोन इस टेबल पर रखा था, जरूर इसी ने वो फोटो डिलीट किया सर इसने, मैं कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे साहब, मैं इतना महंगा फोन कभी इस्तेमाल ही नहीं किया साहब, फोटो कैसे निकालेगा साहब? सर ये झूठ बोल रहा है सर, सर इसी ने फोटो डिलीट की है। एक मिनट, अगर मोबाइल में फोटो नहीं है तो फिर शादी की तस्वीरें तो होगी ना आपके शादी के एल्बम में? है ना सर, पूरा एल्बम है, मैं अभी लेकर आता हूँ। सर ये लीजिए सर, हमारी शादी का एल्बम, अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी।
आपका कहना है कि ये आपकी बीवी नम्रता नहीं है। जी सर, ये मेरी पत्नी नहीं है। मेरे ख्याल से आप भी ये एल्बम देख लें तो अच्छा रहेगा। ये कैसे हो सकता है सर? ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये कोई साजिश है मेरे खिलाफ। जरूर इसमें मेरी पत्नी भी शामिल है। उसी ने भेजा होगा इन दोनों को। मिस्टर राहुल, कभी आप कहते हैं कि आपकी पत्नी खतरे में है, कभी आप कहते हैं कि वो आपके खिलाफ साजिश रच रही है। कहने क्या चाहते हैं आप? सर मुझे कोई खतरा नहीं है और ये कोई साजिश नहीं है। मैंने आपसे कहा ना इनकी तबीयत खराब है। तुम चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना। एक मिनट, आप नम्रता हैं, आपके पास कोई आईडी वगैरह है? जी हाँ सर, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है। आपको जो चाहिए मैं दिखा सकती हूँ। प्लीज एक मिनट। नम्रता, आईडी के हिसाब से तो यही नम्रता है। सर ये भी तो हो सकता है कि इस लड़की का नाम भी नम्रता हो और इसी बात का फायदा उठाकर ये मेरी पत्नी की जगह लेना चाहती हो। सर नाम एक हो सकता है लेकिन जन्मदिन 19 अगस्त 1986 जन्मदिन का भी एक होना ये बहुत ही बड़ा सहयोग है। क्यों राहुल? अच्छा ये बताइए कि आपकी पत्नी का जन्मदिन भी क्या इसी दिन आता है? हाँ सर, तारीख तो हुई है पर ये संयोग भी तो हो सकता है ना सर। ये संयोग है, वो संयोग है। मिस्टर राहुल, हम आपकी बात पे यकीन करें तो करें कैसे और क्यों? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, ये झूठ बोल रही है। तुम नम्रता हो ना तो ये बताओ कि हमारी शादी की सालगिरह कब है? बताओ ना हमारी शादी की सालगिरह कब है? देखा सर, ये नहीं जानती, ये झूठ बोल रही है। बताओ ना हमारी शादी की सालगिरह कब है? 14 फरवरी। सर राहुल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैलेंटाइंस डे पे गोवा में हमने शादी की थी। सर ये पूरी तैयारी कर कर आई है, इसने मेरे पत्नी से सब पहले ही पूछ लिया होगा। कोई और सवाल पूछ के देखो। हाँ ये बताओ कि तुमने चॉकलेट कहाँ छिपाई? चॉकलेट? ये चॉकलेट का क्या चक्कर है? सर मुझे डायबिटीज है पर फिर भी मुझे चॉकलेट खाना पसंद है। इससे नम्रता अक्सर मेरी लाई हुई चॉकलेट छिपा देती है, जो बात इसे नहीं पता। अगर तुम नम्रता हो तो बताओ कि तुमने चॉकलेट कहाँ छिपाई है? बताओ तुमने चॉकलेट कहाँ छिपाई? ये नहीं चॉकलेट, मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी, डायबिटीज है तुम्हें। मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे दे दीजिए। अब क्या कहना आपको मिस्टर राहुल? सर ये लोग पूरी तैयारी कर कर आए हैं। ठीक है, एक पल के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये आपकी पत्नी है या नहीं इसका जवाब तो इस घर में ही मिलेगा। तलाशी लो घर की। एक काम कीजिए, आप लोग अपने माता पिता को यहाँ बुलाइए, अभी पता चल जाएगा। सर मेरे माँ बाप तो दुनिया में नहीं रहे। सर मेरे भी नहीं है। ऐसी जगह पे ये डस्टबिन कैसे पड़ा? तो कोई रिश्तेदार दोस्त वो तो होंगे शहर में ना, उनको बुलाइए। सर दरअसल हम कुछ ही दिन पहले बैंगलोर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ हम किसको भी नहीं जानते। ओह तो तुमने ये भी पता लगा लिया है। सर लाश। सर ये लाश मेरे घर में
ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम राहुल? पहले पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने के लिए यहाँ बुलाया, फिर तुम्हारे घर से एक लाश निकली है। किसकी लाश है ये? सर मुझे कुछ नहीं पता। सर सर मैं इसे जानता भी नहीं। सर मैं भी इसे नहीं जानती। तुम जानते हो? नहीं सर मैं नहीं जानता उसको। ये देखिए सर, यहाँ इसके सीने पे गोली मारी और इसके गले पे खरोंच का निशान भी। मौत तो बिल्कुल ताजे हैं, लगता है कुछ घंटों पहले इसे मारा गया। कोई आईडी वगैरह मिली? एक मिनट। सर इसका नाम पुलकित रॉबिन है। पुलकित रॉबिन? सर मैंने इसका नाम कहीं पढ़ा है। पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? अरे सर ये तो एक बहुत ही मशहूर टीवी सीरियल राइटर है सर, सास बहू का सीरियल, मैं देखता हूँ सर। एक टीवी सीरियल राइटर की लाश मेरे घर में? पंकज मोबाइल पे देखो, इंटरनेट पे इस पुलकित रॉबिन की फोटो निकालो, देखो कहीं ये वही आदमी तो नहीं। तो वही है सर, ये मर गया। अरे वो शो का क्या होगा, मैं तो हर एपिसोड देखता था, अभी एक नया अच्छा ट्रैक चालू हुआ था। सर सर मैं तो ये सब में फंस नहीं जाऊंगा ना सर। मिस्टर राहुल तुम्हारे घर से एक लाश मिली है, लाश जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता आप सब लोग हिरासत में रहेंगे। सचिन घर सीज कर दो और इस पुलकित रॉबिन का एड्रेस निकालो। अब राधिका समीर से कहेगी दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। समीर राधिका की नजरों से दूर हो ना हो, लेकिन हम सीआईडी वाले आपकी नजरों से दूर नहीं होने वाले। सीआईडी? और मेरे घर में? जी वैसे आप राइटर्स लोगों का काम बहुत मुश्किल होता है ना, इतना पेचीदा ताना बाना मुन्ना पड़ता है, कभी कहानी का कभी किरदारों का और कई बार खून का। दरअसल मैं समझी नहीं आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। दरअसल हम आपसे खून के बारे में पूछताछ करने आए, मगर अगर आप चाहें तो अगले हफ्ते देविका के साथ शो में क्या होने वाला है ये हमें बता सकती हैं, क्योंकि पुलकित जी तो रहे नहीं। क्या पुलकित सर का खून हो गया? कब और कैसे? ये तो अब आप ही बता सकती हैं। मैं? मुझे कुछ नहीं पता। इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है आपको, हम पुलकित के घर से आ रहे, पुलकित की पत्नी ने बताया कि आप पुलकित की असिस्टेंट हैं। और कल शाम वो आपसे मिलने के लिए ही घर से निकले थे मगर वापस पहुंचे ही नहीं। ये बात सच है, मैं और पुलकित सर कॉफी शॉप में मिलने वाले थे लेकिन वो वहां पहुंचे ही नहीं। कौन सी कॉफी शॉप? आईजी कॉफी शॉप, वही जो बैरिक्स रोड पे। हाँ जी वही। मगर पुलकित की लाश हमें मिली सृष्टि नगर में और ये बैरिक्स रोड सृष्टि नगर से बहुत दूर है। तो इसका मतलब ये है कि तुमने पुलकित को कॉफी शॉप पर बुलाया, उसके बाद उसे बहला फुसला कर तुम सृष्टि नगर ले गई और वहाँ तुमने उसका खून कर दिया। नहीं ये बात गलत है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम पुलकित से जलती थी और तुम पुलकित की जगह लेना चाहती थी, इसलिए तुमने पुलकित का खून कर दिया। ये सब झूठ है, मैं 8 बजे से लेकर 11 बजे तक उनका इंतजार करती रही पर वो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। मैं घर वापस आ गई क्योंकि उनका फोन भी नहीं लग रहा था। आपकी बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ ये बहुत जल्द पता लग जाएगा, आप हमारे साथ चलिए। मगर कहाँ? ये सब क्या है, आप लोग हमें यहाँ क्यों लाए हैं, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है हमें? एक मिनट शांत हो जाए मैडम, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं पुलकित की पत्नी हूँ और आप मुझ पर भी शक कर रहे हैं? हम किसी पर शक नहीं कर रहे, हम अपनी ड्यूटी कर रहे। ये आप प्लीज अपना हाथ आगे बढ़ाइए, हम लोगों को आपके खून के सैंपल्स लेने हैं। खून का सैंपल? मगर क्यों? क्योंकि पुलकित की गर्दन पर हमें कुछ खरोंच के निशान मिले और उस खरोंच में नेल पॉलिश के ट्रेसेस हैं। इसका मतलब साफ है पुलकित के खून में किसी लड़की का हाथ है। लाइए हाथ आगे। फिलहाल इस केस में लड़कियां सिर्फ आप तीनों ही। सर आप लोग खूनी को ढूंढने में इतनी मेहनत करें, प्लीज मेरे पत्नी को भी ढूंढिए ना, ना जाने नम्रता किस हाल में होगी, कहाँ होगी। फिर वही बात राहुल, कब तक खेलोगे ये खेल, और मैं एक बार नहीं बार बार कह चुका कि मैं ही तुम्हारी नम्रता हूँ। चुप हो जा तुम, कितना झूठ बोलोगी। क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरे घर और मेरी जिंदगी से जाने के लिए? क्या मैं और पैसे, कैसी बात कर रहे हो तुम राहुल? मिस्टर राहुल आपके पास आपकी पत्नी का फोटो नहीं, चेहरा तो याद है, कम से कम उनका
स्केच तो बनवा सकते हैं? जी सर, जरूर। ये बाल आगे से, हाँ यहाँ से थोड़े और लंबे। सर, हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में इस बाबा जी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखा साहब, मैं बोल रहा था ना साहब, मैं एकदम निर्दोष है साहब, मुझे जाने दो ना साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो, मगर याद रख तुम शहर से बाहर नहीं जाओगे और जब भी बुलाया जाए ब्यूरो आ जाना। ठीक है। पता नहीं किसका स्केच बनवा रहे हैं ये, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। सर ओके, थैंक यू परेश। तो राहुल, स्केच ठीक बना? हाँ सर बिल्कुल, यही है मेरी पत्नी नम्रता। और मैं कौन हूँ इसकी सौतन? पता नहीं सर किस लड़की का चेहरा है ये, किसका चेहरा बनवाया इन्होंने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किसकी नजर लगी हमारी हस्ती खेलने जिंदगी को। सर इसके आंसू पे मत जाइए, ये मगरमच्छ के आंसू है, ये इन्हें हथियार बना के मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है, मुझे फंसाना चाहती है सर। राहुल अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो साफ साफ कह दो ना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, पर ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है। सर सर ये पुलकित के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उसने जेनिफर के साथ में शाम को 5 बजे बात की थी और ठीक 1 घंटे बाद उसे लैंडलाइन नंबर से फोन आया था। सर अच्छा ये लैंडलाइन नंबर है किसका, कुछ पता किया? हाँ सर, भावेश इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स नाम है कंपनी का। क्या कहा आपने, भावेश इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स? हाँ क्यों, आप इस कंपनी के बारे में जानती हैं? हाँ सर मैं जानती हूँ, राहुल इसी कंपनी में तो काम करते हैं। आप लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं, मैंने उसे फोन नहीं किया है। सर मैं तो उस पुलकित को जानता तक नहीं हूँ। बुधवार शाम 6 बजे तुम अपने ऑफिस में थे या नहीं? 6 बजे ठीक तरह याद तो नहीं आ रहा, पर शायद तब तक मैं ऑफिस से निकल गया था। सर देखो राहुल, शायद से तो काम नहीं चलेगा। सर अगर आप लोगों को मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप लोग मेरे ऑफिस चल के पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है तो चलकर पूछताछ कर लेते हैं तुम्हारे ऑफिस में, और ये भी पता कर लेते हैं कि जो स्केच तुमने बनाया है ऐसी कोई लड़की है भी या नहीं। एक बार शर्मा जी को पहुंचा दीजिए, मैंने चेक कर लिया, उन्हें बोलिए टेंडर का प्रोसेस चालू था। अरे राहुल तुम यहाँ पर इस वक्त और आज ऑफिस नहीं है, और ये लोग कौन है? सर ये लोग CID से। CID? जी सर। क्या बात है बताओ। क्या बताऊँ सर, मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। कैसी मुसीबत? लाश मिली इनके घर के बैकयार्ड से। व्हाट, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कहीं तुम्हारा इसमें कोई हाथ तो नहीं है? नहीं सर मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं तो उस पुलकित रॉबी नाम के आदमी को जानता तक नहीं जिसकी लाश मेरे घर से मिली है। मिस्टर भावेश आप अपने जरा सारे स्टाफ को बुलाएंगे। सुमित सुनो, सबको बॉस अंदर बुला रहे हैं। इस फोटो को देखिए, ये आदमी पुलकित है जिसकी लाश हमें राहुल के घर से मिली, कोई पहचानता है इसे? जरा ध्यान से देखिए, टीवी सीरियल लिखते थे, आप इसे पहचानते हैं या इनसे जुड़े किसी आदमी को जिनका इनके साथ संबंध हो? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप में से कोई भी इन्हें नहीं जानता, क्योंकि आपके ऑफिस के लैंडलाइन से फोन किया गया था शाम को 6 बजे बुधवार। व्हाट, तो शायद राहुल ने ही किया होगा। मैं क्यों फोन करूंगा सर, मैं तो उसे जानता भी नहीं, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी ऑफिस से किसी और ने फोन किया हो। और तो और सर, मैं तो जिस घर में रहता हूँ घर भी मुझे ऑफिस की तरफ से मिला है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से किसी को याद है कि बुधवार को राहुल कितने बजे तक ऑफिस में था? हाँ सर 5:30 बजे तक। 5:30 बजे और पुलकित को फोन किया गया 6 बजे। हरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दुविधा दूर करने के लिए, थैंक यू। हरीश क्या तुम मेरा एक काम और करोगे? हाँ हाँ बोलो। तुम्हें याद है तुम वो इम्पोर्टेंट पेपर्स लेकर मेरे घर आए थे? हाँ याद है। तब तुम मेरे पत्नी नम्रता को मिले थे ना? हाँ हाँ राहुल, लेकिन उस बात का इस खून से क्या लेना देना है? लेना देना है क्योंकि एक अनजान औरत मेरे घर में घुस आई है और मेरे पत्नी होने का नाटक कर रही है, क्या तुम प्लीज उसे चल के मेरे लिए पहचान सकते हो? हाँ हाँ श्योर, कहाँ है वो औरत? नीचे हमारी गाड़ी में बैठी हुई, आइए हमारे साथ। देखना सर अब इस औरत का भंडा फूट जाएगा। धीरज रखिए, अभी पता चल जाएगा। अरे हरीश जी कैसे हैं आप? हेलो नम्रता, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्या बताओ, पता नहीं राहुल को क्या हो गया। हरीश
ये तुम क्या कह रहे हो यार, ये मेरी पत्नी नम्रता नहीं है। व्हाट, ये कैसी बात कर रहे हो राहुल? यही तो नम्रता है, तुम्हारी पत्नी जिससे तुमने मुझे मिलवाया था। अब क्या कहना है मिस्टर राहुल आपका, है कोई जवाब आपके पास? हरीश, लगता है तुम्हारी आंखों का नंबर बढ़ गया है, जाके अपनी आंखें टेस्ट कराओ। तुम एक ही बार मिलो इसलिए शायद इसे पहचान नहीं पा रहे हो। हाँ मिस्टर राहुल, मेरे चश्मे का नंबर जरूर बढ़ गया है, लेकिन मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है। यही नम्रता है। यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता, ये सब में तुम भी शामिल हो। सर मैं कह रहा हूँ, पुलकित के खून में ना इसी का हाथ है। अरे ये कैसी बात कर रहे हो राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सर ये झूठ बोल रहा है। मैं ठीक कह रहा हूँ सर। राहुल, ठीक और गलत का फैसला हम लोग करेंगे, आप नहीं। सर, सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सर कुछ साल पहले राहुल को एक मानसिक बीमारी थी और शायद उन्हें वो बीमारी वापस हो गई है। क्या, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? ये भी पता कर कर आई हो तुम। सर ये सच है कि मुझे बीमारी थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चाहे तो बैंगलोर में मेरे साइकाइट्रिस्ट से बात कर सकते हैं। हाँ सर, मैं भी वही कह रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो गए थे, पर शायद इन्हें दोबारा दौड़ना पड़ रहा है। ये मुझे पहचानने से इनकार कर रहे सर, शायद इन्होंने ही पुलकित को पारा होगा। चुप हो जाओ तुम। एक तो मेरी बीवी को गायब कर दिया, ऊपर से मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं इसे जान से मार दूंगा। ए, पीछे हो। क्या बिगाड़ा है मेरे राहुल तुम्हारा? सर प्लीज, राहुल को अपनी कस्टडी में ले लीजिए। सर देखिए ना, अपनी पत्नी को दिन दहाड़े जान से मारने की धमकी दे रहा है ये। पुलकित का खून राहुल ने किया या किसी और ने, इसका पता तो हम लगा ही लेंगे, मगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलकित को मरते हुए किसी ने देखा या सुना ना हो। उस मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करनी होगी। सर आसपास के सभी घरों में हमने पूछताछ कर ली है, बस ये एक आखिरी घर बाकी है। चलो यहाँ भी पूछ के देखते हैं। संभल के। दरवाजा खुला तो इस तरह से दरवाजा क्यों खुला छोड़ेगा? और यहाँ ये कैमरा कैसे? इधर भी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं। सर, सर जल्दी आइए। ये देखिए एक और कैमरा, दो कंप्यूटर स्क्रीन, स्पीकर्स और हेडफोन्स। दो दो कंप्यूटर स्क्रीन एक साथ, बाहर और यहाँ कैमरास भी लगे, कहीं यहाँ वीडियो एडिटिंग तो नहीं चल रही? इसे ऑन करो। हाँ साहब, आपका नया बावर्ची साहब। लगता है आप गलत पते पे आ गए। नम्रता मैम ने मुझे काम पे रखा है, खाना बनाने के लिए। चाय बनाता हूँ साहब। अरे जाओ ना। अभी क्या है? सॉरी डार्लिंग, आने में देर हो गई, वो मॉल में ना सेल लगी थी, तो कुछ ज्यादा ही शॉपिंग करनी। माय गॉड, ये कैमरा लगा के राहुल के घर पे नजर रखे हुए। क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ? सर आप बैठिए, मैं सब बताता हूँ। सिर्फ राहुल की नहीं, सीआईडी की भी। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी दूर से सीआईडी का वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा है? मगर ये आवाज इतनी क्लियर कैसे आ रही है? मैं अभी आया। सर एक काम करते, इस जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं, हो सकता है यहां कुछ मिल जाए। ये देखो जमीन के पेपर्स, ये घर किसी गिरधारी के नाम पे है।
तुम्हारे सारे सवालों का जवाब ये माइक है जो मुझे राहुल के घर से मिला। स्पीकर के अंदर छुपा के रखा हुआ था। इसका मतलब गिरधारी जो राहुल के घर पे नजर रखे हुए था उसी ने माइक लगाया हमें। कौन गिरधारी? अरे दुष्यंत, ये घर के कुछ पेपर्स मिले जिसमें लिखा है कि गिरधारी इस घर का मालिक है। आप लोग सुंदर जी के मेहमान हैं? तुम कौन हो? जी मैं तो यहाँ पर किराए पर रहता हूँ, पर आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ सीआईडी। देख के लगता है कि तुम कहीं बाहर से आ रहे हो। ना सर, मैं तो अभी गोवा से आ रहा हूँ, पर आप लोग यहाँ पर सुंदर जी ने कहीं कुछ? एक मिनट, ये सुंदर कौन? सर जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने ये घर सुंदर नाम के एक अंकल को किराए पर दिया था। क्या बात, तुम खुद यहाँ पे किराए पे रहते हो और ये घर तुमने किसी को किराए पे दे दिया? सर मैंने सोचा कि गोवा जाने का खर्चा निकल आएगा सर, इसलिए। और गिरधारी जी जिनका ये घर है वो कहाँ? सर वो तो लंदन में रहते हैं सर, साल में सिर्फ एक बार ही इंडिया आ पाते हैं। ओह, उसी का फायदा उठा रहे हो तुम। ये कंप्यूटर कैमरा तुम्हारे? नहीं सर, ये सब मेरा नहीं है सर। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम राहुल के घर पे नजर रखे हुए थे, जासूसी कर रहे थे उस पे। जासूसी? सर मैं राहुल के ऊपर जासूसी नहीं कर रहा था सर। देखो हमने रिकॉर्डिंग देख ली है, सच सच बताओ। मैडम मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ, इतनी सारी महंगी चीजें मैं कहाँ से लाऊंगा? तो फिर ये सारी की सारी चीजें किसकी? उस आदमी की जिसे तुमने किराए पे रखा हुआ, सुंदर? सर हो सकता है सर। नंबर दो सुंदर का। सर पिछले हफ्ते गोवा में मेरा मोबाइल चोरी हो गया था तो तुम्हारे सारे नंबर्स चले गए। जी बहुत अच्छा बहाना है, अपना मोबाइल नंबर दो, सुंदर का नंबर हम तुम्हारे मोबाइल रिकॉर्ड से निकाल लेंगे। सर सालों के सर की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। पुलकित के खरोचों में जो नेल पॉलिश के अंश मिले थे वो ना ही नम्रता के थे, ना ही संजना के और ना ही जेनिफर के। मतलब इस केस में कोई और औरत भी शामिल है? सर हो सकता है वो स्केच वाली औरत हो जिसे राहुल अपनी बीवी कह रहा है। हो सकता है, जब तक हमें उस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता कुछ कह नहीं सकते। क्या हुआ, उस नेल पेंट के बारे में कुछ पता चला क्या? मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूं। सर जतिन के फोन रिकॉर्ड चेक करिए, सुंदर का नंबर तो नहीं मिला मगर किसी मनीष नाम के आदमी का नंबर मिला है। करता क्या है मनीष? सर कैमराज और एडिटिंग मशीन किराए पे देता है। मनीष? मनीष से मिलना पड़ेगा। सर यही है वो सुंदर अंकल जिन्हें मैंने अपना घर किराए पे दिया था। कौन कौन सुंदर? मैं मनीष हूँ। गलत बात है मनीष जी, आप इतने महंगे कैमरा इक्विपमेंट्स ऐसे ही खुले घर में छोड़ा है, इन्हें तो अरेस्ट करना होगा। बिल्कुल। रुको 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 मनीष, कहाँ भाग के जा रहे हो? अभी तो तुम्हारा ऑडिशन भी बाकी है जो शुरू होता है अब। मेरा कोई इरादा नहीं था सर, मैंने तो वही किया जो मुझसे कहा गया था करने के लिए। जिसने मेरे दुकान से कैमरा और एडिटिंग मशीन किराए पे लिया था उसी ने मुझसे कहा था ये सब करने के लिए। जिसने तुमसे कैमरा किराए पर लिया उसी ने तुमसे घर भी किराए पर लेने को कहा? जी सर, उसी ने मुझसे कहा था कि कैमरा इस तरह से फिट करूं कि सामने वाले घर का सारा नजारा दिखना चाहिए। अब तो मिलना पड़ेगा इस इंसान से। है कौन ये जनाब? जी कहिए। जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आइए। भावेश का कुछ पता चला क्या? भावेश का पता चला मतलब? हम लोग तो भावेश से ही मिलने आए। लेकिन वो तो कल से घर नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या कल से घर नहीं आए? आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सर लगता है उन्हें पता चल गया होगा कि हम आने वाले हैं, इसलिए। एक मिनट, क्या ये आपके पति भावेश है? जी हाँ। ये केस तो और पेचीदा बनता जा रहा है। सब मेरे पति भावेश को ढूंढ निकालिए। देखिए मैम आप चिंता मत कीजिए, अब भावेश का नंबर दीजिए हमें। जी 1979856 43।
भावेश के फोन तो ऑफ आ रहा है। पंकज, भावेश के फोन के IMEI नंबर से पता करो कि उसका मोबाइल इस वक्त कहाँ है। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ भावेश तुमसे, वो सीडी तुमने कहाँ रखी है? नहीं बताऊंगा मैं। मैं मर भी जाऊँ ना तो तुम्हें भी साथ लेकर डूबूंगा, समझ गई तुम? मैं डूबू या ना डूबू पर तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, याद कर लो अपने भगवान को। बस मुनी दुरेली, बहुत मचा रही आतंक। कानून को काफी वक्त से तुम्हारी तलाश थी, मगर हमें नहीं पता था कि हम इस केस के जरिए तुम तक भी पहुंच जाएंगे। खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे तुमने मुनी को जेल में डाल दिया है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती कि तुम मुन्नी के दरबार में खुद चलकर आए हो? देख क्या रहे हो, फोन दो इनको। मुझे भावेश ने नम्रता को अगवा करने के लिए कहा था। क्यों भावेश, क्या बिगाड़ा था नम्रता ने तुम्हारा? बहुत लंबी कहानी है। कोई बात नहीं मिस्टर भावेश, CID के पास मुजरिमों की दास्तान सुनने के लिए हमेशा वक्त रहता है। शुरू कीजिए अपनी कहानी। ये उस वक्त की बात है जब मैं शहर में नया नया आया था, टेलीविजन की दुनिया में लेखक के तौर पर नाम कमाना चाहता था। अलग अलग तरह की कहानियां लिखी, अलग अलग तरह के किरदारों को जन्म दिया। मेरी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था कि किस तरह मेरी कहानी छोटे पर्दे पर साकार हो जाए। मगर तुम्हारा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था ना? क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मजबूर कर दिया अपने सपनों को कुचलने के लिए। जिसके साथ मैं किराए के घर में रहता था, जिसे मैं अपना दोस्त समझता था, उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी कहानी चुराई और एक चैनल में बेच दी और रातों रात अमीर बन गया। हर तरफ उसी के चर्चे, उसी की बातें। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर मैंने अपने करियर को नई दिशा दी और भावेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया। मगर इस सब का मेरी किडनैपिंग से क्या लेना देना है? ये बात सच है कि मैंने अपनी लाइन बदल दी थी, लेकिन ये भी सच है कि मेरे अंदर एक राइटर छुपा हुआ है। टेलीविजन में कुछ कर गुजरने का जुनून है मेरे अंदर,
मैंने वापस कलम उठाई और एक अनोखे रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट लिख डाला, जिसमें पति पत्नी में से किसी एक की जगह एक अजनबी अगर उनके घर आ जाए तो फिर उस पार्टनर की क्या प्रतिक्रिया होगी। इस तरह का रियलिटी शो लिखा था मैंने। क्या ये सब एक रियलिटी शो था? चैनल को मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि इसे पर्दे पे कैसे उतारा जाए। तो मैंने एक पायलट एपिसोड बनाने के बारे में सोचा और एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने अपनी कंपनी में आए हुए नए एम्प्लॉय राहुल को शामिल किया। वाह कमाल है। अगर तुम एक रियलिटी शो ही बनाना चाहते थे तो एक जायज ढंग से भी बना सकते थे, फिर कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने कोशिश तो की थी जायज तरीके से करने की, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए नम्रता को अगवा कर लिया जाए और फिर मैं अपने दो कलाकारों बावर्ची और नकली नम्रता को उसके घर भेज दूंगा और काम होने के बाद असली अमृता को फिर उसके घर भेज देता। और इसमें वो टीवी राइटर पुलकित रॉबिन, वो कहां से आ गया? पुलकित रॉबिन? पुलकित रॉबिन ही वो शख्स है जिसने मेरे आइडियाज, मेरी कहानी चुराई और मशहूर हो गया। उसे पता चल गया था कि मैं चैनल में कुछ बड़ा रियलिटी शो का आइडिया लेकर जाने वाला हूं, बस उसी की जासूसी करने के लिए यहां पर आया हूं। आज तो पता लगाना ही पड़ेगा कि भावेश कौन सा बड़ा कंसेप्ट चैनल वाले को बेचने वाला है। बेवजह मारा गया, अब तू भी चाहती है? छोड़ दो मुझे, मैं इसको लेकर जाती हूँ, तुम इसको ठिकाने लगाओ। घर पहुंचकर जब मैं मेरे लगे हुए कैमरा की फुटेज देख रहा था तब मैंने देखा कि इस मुन्नी ने पुलकित का खून कर दिया है और मेरे बने बनाए प्लान को चौपट कर दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, वो खुद बीच में आ गया था। और जब आप लोग मेरे ऑफिस आए तब आप लोगों को देखते ही मैं समझ गया कि अब सीआईडी से बचना नामुमकिन है। मैं बहुत घबरा गया था और उसी घबराहट में मैं यहाँ मुन्नी से मिलने आ गया। मुन्नी, तुमने मुझे फंसा दिया। पता है सीआईडी मेरे ऑफिस तक चली आई, एक तो पुलकित को मारा, ऊपर से उसकी लाश मेरे घर में छुपा दी। बोला था ना सेठ, लड़का लोगों को नहीं पता था कि तुम्हारा घर राहुल की कंपनी में आता है। अरे मैंने तुम्हें सिर्फ किडनैप करने के लिए कहा था, वो भी कुछ दिनों के लिए, पर तुमने पूरा रायता फैला दिया। याद रखना मुन्नी, अगर सीआईडी ने मुझे गिरफ्तार किया ना तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। नहीं बताऊंगा, नहीं। राहुल का नहीं था, वो स्पीकर भी गिफ्ट के तौर पर मैंने राहुल के घर भिजवाया था। जब हरीश उसके घर फाइल लेकर गया तो उसी के साथ मैंने स्पीकर भिजवा दिया था। लेकिन आपने हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है भावेश जी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस ये सोच रहा था कि टेलीविजन में मुझे नाम कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुन्नी को तो फांसी होगी, तुम्हारा जुर्म भी कुछ कम नहीं है भावेश। बिल्कुल, क्योंकि मिस्टर भावेश आपने एक किडनैपिंग करवाई और उस दौरान एक आदमी का खून हुआ है। आपके भविष्य का फैसला तो अब अदालत करेगी। सर क्या हुआ है, आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे? जरा रुको, अभी पता चल जाएगा। राहुल, राहुल, नम्रता, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड तुम आ गई, थैंक गॉड तुम वापस आ गई। मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कभी तुम्हारे पास जिंदा लौट कर भी आऊंगी। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर सीआईडी वाले आ गए जिन्होंने हमें फिर से मिला दिया। तुम दोनों मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था
कि मेरी एक्टिंग चीजों को इतनी गलत दिशा में ले जाएगी। एक्टिंग? मैडम माना कि भावेश जी ने आपको वहाँ एक एक्टिंग असाइनमेंट के लिए भेजा था, मगर लाश देखने के बाद और सीआईडी की कस्टडी में होने के बावजूद आपने हमें सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि सर, उन्होंने मुझसे कहा था कि कितनी भी टेढ़ी स्थिति क्यों ना आ जाए, मैं अपना काम करना ना छोड़ूं, एक्टिंग ना छोड़ूं। इसलिए मुझे लगा कि वो लाश भी नकली है और सीआईडी भी, सब बस रियलिटी शो का हिस्सा है। वाह, और आप अपनी एक्टिंग के चौके छक्के की बारिश करते रहे। मुझे माफ कर दीजिएगा सर, पर आपको तो पता है ना कि एक नए एक्टर के लिए टीवी और फिल्मों की दुनिया में पाव जमाना कितना मुश्किल है। इसलिए मैं कोई गलती करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं एक्टिंग करती रही। अब आप लोग मुझे जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। सर रहने दीजिए ना सर, अब मुझे मेरी नम्रता मिल गई और आप लोगों ने भी असली मुजरिम को पकड़ लिया है। गलती तो उन्होंने की है तो इन्हें सजा भी मिलेगी, लेकिन इन्हें क्या सजा मिलेगी ये अदालत तय करेगी। फिलहाल आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ तुम आ गए। सब ठीक है ना अभिजीत? नहीं, इस वक्त बुलाया इसलिए पूछ रही थी। नहीं वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कितने परेशान लग रहे हो, क्या बात है? एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ मैं तुमसे कैसे बताऊं। मैं समझ गई, दया के बारे में ना। मैं जानता हूँ ये सुनकर तुम्हें बहुत धक्का लगेगा, और इससे पहले मेरी हिम्मत जवाब दे जाए मैं तारिका, जब एसीपी साहब यहाँ वापस आएंगे तो मैं उनसे कहने वाला हूँ वो मेरा ट्रांसफर कर दे। क्या? ट्रांसफर? I'm sorry, तारिका, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे और दया के बीच में जो कुछ चल रहा है मैं लेकिन दया तो तुम्हारा दोस्त है ना। हाँ, लेकिन अब दोस्ती रही कहाँ? नहीं, ऐसे क्या, दोस्तों के बीच में तो ऐसा होता रहता है, ऐसी छोटी मोटी गलतफहमी, ऐसे झगड़े, इसका मतलब ये थोड़ी कि एक दोस्त ऐसे मुंह मोड़ के निकल जाए। तारिका मैं जान दे सकता हूँ मैं उसके लिए, वो बात नहीं है, लेकिन ये सब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी दोस्ती इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। मैंने फैसला कर लिया है मैं यहां से चला जाऊंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.